हेलो माय लवली, सो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे एकदम बढ़िया। और रिसेंटली ही द डर्माको में आई हुई थी बाय वन गेट वन फ्री सेल, जो कि ऑलमोस्ट हर 3 महीनों के बाद आती है। तो जैसे ही ये सेल आई थी, मैंने आप सभी लोगों को टेलीग्राम में, यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में, यूट्यूब शॉर्ट्स में, सभी जगह इन्फॉर्म कर दिया था। आई होप आपने अपना ऑर्डर ग्रैब कर लिया होगा। तो मैंने इस सेल से टोटल 3 पार्सल्स ऑर्डर किए थे, तीनों के तीनों मुझे रिसीव हो गए हैं ऑन टाइम। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं इन तीनों पार्सल्स की अनबॉक्सिंग। उसके साथ ही इसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मैं पहले से यूज़ करते आ रही हूँ, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बिल्कुल न्यू लॉन्चेस हैं। तो इनको हम आज फर्स्ट इम्प्रेशन भी देंगे, और जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ उनका मैं आप लोगों को छोटा सा रिव्यू भी दूंगी। तो सबसे पहले इस पार्सल को देखते हैं, जिसमें 145 रुपीज़ मेंशन है। प्रोडक्ट की क्वांटिटी 2 लिखी हुई है। जब भी आप डर्माको के पार्सल रिसीव करें तो आप क्वांटिटी बाहर देख सकते हैं कि आपने जितना ऑर्डर किया है उतना बॉक्स के अंदर है या नहीं। वैसे तो इस बॉक्स का मैंने सिर्फ 142 रुपीज़ पे किया है, बट पता नहीं क्यों हमें जो बिल रिसीव हुए हैं तीनों ही पार्सल में, उसमें 3-4 रुपये बढ़ाकर मेंशन किया गया है। तो इसमें मुझे 145 रुपीज़ मेंशन है, बट मैंने पे किया है 142 रुपीज़। अब इतना कम मैंने क्यों और कैसे पे किया है वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन और जानना है तो मैं लास्ट में एक बार और रिपीट कर दूंगी ये सारी चीज़ों को। बाकी जो प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया है, यह 2% कोजिक एसिड फेस सीरम, इसमें आपको 1% अल्फा ब्यूटेन कोजिक एसिड एंड नायासिनामाइड मिल जाएगा। इसको यूज़ किया जाता है फॉर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए, डार्क स्पॉट या पिगमेंटेशन दोनों को रिड्यूस करने के पर्पज से इसको यूज़ करते हैं। 499 रुपीज़ में आपको 30 ml की क्वांटिटी मिल जाती है। तो अभी तक मैंने इसे यूज़ नहीं किया है, आज तक मैंने कभी कोई कोजिक एसिड सीरम यूज़ नहीं किया है। एज सच मुझे नीड भी नहीं थी, लेकिन लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो मैंने बस यहाँ पर आप लोगों को रिव्यू देने के पर्पज़ से इसे मंगाया है। मैं इसे कुछ दिन ट्राई करूँगी, देन आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर दूँगी। एंड इसमें आपको मिल जाएगा एक ग्लास ड्रॉपर, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। पैकेजिंग में ही साइड में आपको ग्लास ड्रॉपर रखा मिलेगा, और यहाँ पर हमारी मेन पैकेजिंग जो है सिरम बॉटल की, वो है ट्रांसलूसेंट सी ग्लास की बॉटल। और इस तरीके से जब आप ड्रॉपर यूज़ करना चाहें तो इस लिड को निकाल कर ड्रॉपर अटैच करके फिर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरीके की पैकेजिंग में आपको रिसीव होगा। अभी मैंने इसको ऑलरेडी 3 दिनों से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। मैं ऑलमोस्ट 10 to 15 days इसे ट्राई करूँगी, देन जो भी मेरा रिजल्ट होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो मैंने मंगाया था 1% हाइलोरोनिक टिंटेड सनस्क्रीन जेल। ये SPF 60 के साथ मिलती है, और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है सनस्क्रीन। ऑलरेडी मैं इसकी एक ट्यूब फिनिश कर चुकी हूँ, और ये मैंने बैकअप के लिए ऑर्डर किया है। तो ये फ्रेग्रेंस फ्री फार्मूला है, टिंटेड सनस्क्रीन है। इसमें आपको जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा, टाइटेनियम डाइऑक्साइड मिल जाएगा। MRP इसकी भी 499 रुपीज़ है, बट क्वांटिटी सिर्फ 30 ग्राम की मिलती है। वो डेली के पर्पज़ से तो मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ, जब भी मुझे आउटसाइड जाना होता है तब ही मैं इस सनस्क्रीन को यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ ये सिलिकॉनी टेक्सचर वाली सनस्क्रीन है, और ये काफ़ी अच्छे से मेरे फेस के ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेती है, बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयली फेस नहीं होता है। यूजुअली हाइब्रिड सनस्क्रीन मैं यूज़ करती हूँ, तो उसमें मेरे साथ यही प्रॉब्लम आती है कि बहुत ज़्यादा फेस ऑयली होने लग जाता है, स्पेशली समर टाइम में तो बहुत ज़्यादा। तो ये वाली जो सनस्क्रीन है ये मुझे बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगती है समर के लिए, तो और ज़्यादा सही है। तो इसकी कंसिस्टेंसी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से आपको इसकी इनर पैकेजिंग मिल जाएगी। एंड टिंटेड सनस्क्रीन है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, बट इसका टिंट जो है बिल्कुल भी बॉदर नहीं करता है, थोड़ी देर बाद ही ये आराम से सेटल डाउन हो जाता है स्किन पर। बाकी अगर आप बहुत ज़्यादा डस्की हैं तो मे बी ये हल्का सा वाइटिश आपको लगेगा। बाकी ओवरऑल ये सनस्क्रीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आप डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हो। इसमें आपको SPF 60 मिल रहा है, एंड एक ट्यूब ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है, ये मेरा बैकअप है। ओवरऑल मैं बस इतना ही कहूँगी कि अगर आपकी ऑयली स्किन है और आपको सिलिकॉनी टेक्सचर वाली सनस्क्रीन अच्छी लगती है, तो डेफिनेटली ट्राई दिस वन, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। एंड अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पार्सल, जिसे अगेन मैंने 142 रुपीज़ में ही परचेज किया था, बट यहाँ पर हमें 145 रुपीज़ बॉक्स पर लिखा हुआ मेंशन है। अगेन मैंने 2 प्रोडक्ट ऐड किए थे, क्योंकि बाय वन गेट वन फ्री सेल थी, तो सेम अमाउंट के मैं 2 प्रोडक्ट ऐड करना ही प्रेफर करती हूँ। क्योंकि बाय वन गेट वन फ्री सेल का मतलब दूसरे शब्दों में समझाऊं तो वो फ्लैट 50% का ऑफ होता है। सपोज एक प्रोडक्ट आपका 499 रुपीज का है और दूसरा 349 रुपीज का है, आप दोनों को कार्ट में ऐड करते हैं और बाय वन गेट वन फ्री सेल अवेल करते हैं, तो आपको 349 वाला फ्री हो जाता है। तो इससे अच्छा है दोनों प्रोडक्ट 499 के ऐड करो, और एक 499 वाला प्रोडक्ट आपका 50% ऑफ पे मिल जाएगा।
अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसमें मैंने दोनों सनस्क्रीन ऑर्डर की है, दोनों सनस्क्रीन डिफरेंट रेंज से है। ये सी सिनामाइड रेडियंट सनस्क्रीन एक्वा जेल है, जिसमें आपको पावर ऑफ टू एक्टिव इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं, विटामिन सी एंड नायासिनामाइड, और यहाँ पर आपको SPF 50 मिलेगा। PA 4 प्लस की रेटिंग है, प्राइस इसकी 499 रुपीज़ है, 50 ग्राम की क्वान्टिटी है, एंड इन्होंने जो भी डर्मा को प्रॉमिस करते हैं वो सारे प्रोमिस इनके फुलफिल भी करते हैं। दूसरी सनस्क्रीन है इनकी 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल, ये मैंने पहले भी यूज की हुई है, काफी अच्छी सनस्क्रीन है, बट मुझे जितना ज्यादा इसकी हाइप थी उतनी अच्छी ये नहीं लगती है, बट फिर भी ये काफी डिसेंट सनस्क्रीन लगती है मुझे। तो इन दोनों ही सनस्क्रीन में से 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन मैंने ऑलरेडी यूज की हुई है, वो मेरी ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन पर उतना ज्यादा अच्छी मुझे नहीं लगी, बिकॉज मेरा फेस ऑयली हो जाता है इसको यूज करने के बाद, और उसे फिर पाउडर से बहुत ज्यादा सेट करना पड़ता है बार बार, तो मुझे उतनी ज्यादा अच्छी तो नहीं लगी समर्स में, बट विंटर्स में अच्छी थी। अब ये वाली सनस्क्रीन की बात करते हैं जो कि सी सिनामाइड रेंज की है, तो इसमें इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मुझे इसकी कंसिस्टेंसी जैसी नॉर्मल हाइब्रिड सनस्क्रीन की होती है वैसी ही लगी है, बहुत ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर है, कोई वाइट कास्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है यहाँ पर, और उतनी ज़्यादा ऑयलीनेस नहीं लग रही है जितनी 1% वाले जो हाइलुरोनिक वाली सनस्क्रीन है उसमें लगी थी मुझे। तो इसे मैं अभी ट्राई करूँगी कुछ दिन, उसके बाद फिर आप लोगों के साथ इसका रिव्यू भी शेयर कर दूँगी। ओवरऑल स्क्रीन सारी अच्छी होती है, इतना ज़्यादा सोच के मत लिया करो, आपको बस उसमें मिनिमम SPF 30 होना चाहिए, और आजकल तो सारी सनस्क्रीन में SPF 50, SPF 45 आपको मिल ही जाता है, तो काफ़ी अच्छी सनस्क्रीन है ये भी, मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू जल्दी शेयर करूँगी। सो फाइनली अब हमारा बड़ा वाला पार्सल, उसे ओपन कर लेते हैं, और इसके लिए मैंने पे किया था 199 रुपीज़, और यहाँ पर भी हमें 4 रुपये 5 रुपये बढ़ाकर ही लिखा गया है 204 रुपये, तो क्वांटिटी 4 की 4 मेंशन है, एंड 204 रुपये इन्होंने क्यों मेंशन किया है मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्यों 4-4, 5-5 रुपये बढ़ाकर बिलिंग करके रखे हैं, बाकी मैंने जो एक्चुअल में पे किया है वो 199 रुपीज़ है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 4 प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे, चारों ही प्रोडक्ट के प्राइस यानी जो एक्चुअल MRP है वो सेम है, और सेम अमाउंट के 4 प्रोडक्ट फाइंड करना भी अपने आप में एक टास्क ही होता है। मैंने तो जैसे तैसे सारे प्रोडक्ट सर्च करके अपने कार्ट में ऐड किए और ऑर्डर प्लेस कर लिया। इन सभी प्रोडक्ट्स की इंडिविजुअली जो प्राइस है वो 349 रुपीज़ ईच है MRP, बट मैंने पूरे पार्सल का 199 रुपीज़ पे किया है। सबसे पहले जो प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया है ये है 3% AHA BHA फोमिंग डेली फेस वॉश। इसमें आपको मैंडेलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड, यानी आपको 2 इसमें AHA मिल रहे हैं और 1 BHA मिल रहा है, तो ये हर स्किन टाइप के लिए तो बिल्कुल नहीं है। इसमें इन्होंने मेंशन जरूर किया है कि ऑल स्किन टाइप वाले इसे यूज कर सकते हैं, बट अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली रहती है या फिर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तो ही आप लोग इसे यूज करें, अदरवाइज अपने स्किन के साथ खिलवाड़ मत करें, जबरदस्ती स्किन को एक्टिव इंग्रेडिएंट देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक फोमिंग फेस वॉश है, इसलिए इस तरह की पंप पैकेजिंग में आपको ये रिसीव होता है। आप जैसे इसका पंप प्रेस करेंगे तो आपको जो फेस वॉश है वो फोम के रूप में बाहर निकल के आता है। तो अभी मैंने इसे कभी यूज़ नहीं किया है, पहली बार मैं इसे यूज़ करूंगी, देन इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बट अभी मैं ऑलरेडी कोजिक एसिड वाला सिरम ट्राई कर रही हूं, तो मैं सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ मर्ज करके रिव्यू नहीं देना चाहती हूं। तो इसका रिव्यू आएगा बट थोड़ा सा लेट आएगा, ये मेरी लिस्ट में बाद में आता है रिव्यू की लिस्ट में, तो पहले कोजिक एसिड का ही रिव्यू आएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास 1% सैलिसिलिक एसिड ऑयल फ्री डेली फेस मॉइस्चराइजर। इनका मैंने 1% सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है, इस मॉइस्चराइजर की भी मैंने तारीफ सुन रखी थी तो मैंने इसे ट्राई करने के लिए मंगा लिया है। तो ये हर स्किन टाइप के लिए नहीं है, इसमें आपको 50 ग्राम की क्वांटिटी मिल जाती है, और इस बॉक्स में मैं अभी जितने भी प्रोडक्ट ओपन कर रही हूँ वो 349 रुपीज़ के ही हैं, तो आप समझ जाना, बाकी इसमें क्वांटिटी 50 ग्राम की हमें मिल रही है। 1% सैलिसिलिक एसिड है तो सिर्फ एक्ने प्रोन स्किन वाले ही इसे यूज़ करें, बेवजह नॉर्मल स्किन वाले या फिर आपकी स्किन में कोई इशू नहीं है फिर भी आप इसे यूज़ करेंगे तो मे बी आपकी स्किन को ये कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, या फिर सैलिसिलिक एसिड है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए सिर्फ एक्ने प्रोन स्किन वाले ही इसे यूज़ करें। अब देख लेते हैं हमारा लास्ट प्रोडक्ट, और लास्ट इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज दोनों ही मैंने सेम मंगाए हैं, मतलब 2 क्वांटिटी में मैंने ऑर्डर किए हैं ये 4% सेरामाइड बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर, और इसमें आपको मिल रहा है 4% सेरामाइड कॉम्प्लेक्स एंड 2% नायासिनामाइड। ये क्लेम करते हैं कि आपको अप टू 24 आवर्स का मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करते हैं, बट 12-14 आवर का भी मॉइस्चराइजेशन मिल जाए तो उतना इनफ होता है, क्योंकि उसके बाद तो फिर हम एक आध बार फेस वॉश कर ही लेते हैं। तो इनकी भी ईच
पैकेजिंग की प्राइस जो है वो है 349 रुपीज़। अंदर आपको पम्प की पैकेजिंग मिलेगी। मैंने आपको इसे ओपन करके नहीं दिखाया है, लेकिन जैसी इनकी सनस्क्रीन की पैकेजिंग आती है पम्प फॉर्म में, सेम उसी पैकेजिंग में आपको इनका सेरामाइड मॉइस्चराइजर की पैकेजिंग मिलेगी। तो अभी मैं उसको ओपन करके नहीं दिखा रही हूँ, जब मैं रिव्यू करूँगी तब इसका टेक्स्चर एंड पैकेजिंग दोनों आपको दिखा दूंगी। यहाँ पर अभी मैं टोटल 3 से 4 प्रोडक्ट इनके ट्राई कर रही हूँ 1 हफ्ते के लिए, देन उसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद फिर मैं आगे के दूसरे प्रोडक्ट ट्राई करूँगी, देन उसका रिव्यू शेयर करूँगी। एक साथ सारे प्रोडक्ट ट्राई करके रिव्यू देना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं किसी प्रोडक्ट का रिव्यू पहले चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आप किसका रिव्यू देखना चाहते हैं। अभी मुझे आप लोगों के कमेंट से जितना समझ में आया है तो आप लोग सनस्क्रीन का और कोजिक एसिड सीरम का रिव्यू पहले देखना चाहते हैं, तो मैं इन्हें ट्राई करके आप लोगों के साथ इसका रिव्यू सबसे पहले शेयर करूंगी। एंड जो लोग वेट कर रहे हैं कि मैंने इतने कम प्राइस में इसे कैसे लिया है, तो उसके पीछे का रीजन सिंपल सा है, डर्मा कैश। डर्मा को में एक इनका प्रोग्राम है जिसमें आप अगर रेफर करते हैं तो आपको हर एक सक्सेसफुल रेफरल पे 100 रुपीज डर्मा कैश मिलते हैं। आपके पास जितना ज्यादा डर्मा कैश होता है आप उतनी ही अच्छी डील ग्रैब कर सकते हैं। तो मेरे पास डर्मा कैश होता है तो मैं उसी के थ्रू इतनी अच्छी डील ग्रैब कर पाती हूँ। आप भी शेयर कर सकते हैं और अपनी डील ग्रैब कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने की हुई है, आपको ऊपर आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा। सो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को चेकआउट कर लेना, देख लेना कैसे डर्मा कैश अर्न करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और आप लोगों को कौन से प्रोडक्ट डर्मा को के सबसे ज़्यादा पसंद है अगर आपने कभी यूज़ किया है तो वो मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। And that's it for today's video. मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। Until then, bye bye and thanks for watching. ये हयात।